बहुत अहम जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आप 200 रुपए से ज्यादा का बिल लेते हैं तो आपको एक ऐप हम आज बताने जा रहे हैं, उस ऐप पर वो बिल अपलोड कीजिए। 1 करोड़ रुपए का इनाम जीत सकते हैं आप, और ये मौका हर महीने 1000 रुपए जीतने का भी मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, मेरा बिल मेरा अधिकार। एक तरह की ऐप लगा लीजिए, योजना लगा लीजिए। इसकी शुरुआत कंज्यूमर के लिए की गई है हरियाणा में, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने खास तौर पर गुरुग्राम में इस बात की जानकारी दी है। शुभारंभ क्योंकि योजना का हो चुका है उन्होंने की, स्कीम के तहत एक पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत एक पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, एक ऐप भी लॉन्च हुई है। स्कीम में 1 करोड़ रुपए तक का इनाम आप जीत सकते हैं। अपने सामान की खरीद के बिल को लीजिए, उसे अपलोड कीजिए, लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, आप विजेताओं में शामिल हो सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी इसलिए भी है, और इसमें मकसद भी है कि कंज्यूमर जागरूक हो, बिल ज़्यादा लिए जाए। लेकिन फिर भी हमारे स्टेट हेड जब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम विस्तार से समझेंगे कि इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी है। और ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी, उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र, एक बार हमारे दर्शकों को, हम वैसे तो लिखित में भी बताएंगे, स्क्रीन पर बताएंगे भी क्या है ये योजना, लेकिन फिर भी आपकी जुबानी हम जानना चाहेंगे, मेरा बिल मेरा अधिकार, ये नाम क्यों दिया गया है इस योजना को, और एक ऐप भी लॉन्च की गई है, उसमें बताया गया है कि कोई भी बिल को अपलोड कर सकता है 200 रुपये से ज़्यादा का, और वो 1 करोड़ रुपये के इनाम का हकदार बन सकता है अगर लकी ड्रॉ में उसका नाम आता है, एक लॉटरी निकलेगी। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे ये कैसे अनोखी एक योजना है, और कैसे कंज्यूमर को फ़ायदा भी होगा, और क्यों मकसद इस योजना को लागू करने का है। देखिए कमल, ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सोच का नतीजा है, क्योंकि उनके पास ही ये विभाग है, एक्साइज टैक्सेशन का जो विभाग है, और जीएसटी कलेक्शन को लेकर के, उसमें बढ़ावा करने को लेकर के इस सोच को रखा गया है, जिससे जो उपभोक्ता है वो इस बात की ओर जागरूक हो कि उसके लिए बिल लेना कितना आवश्यक है, और अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जो है वो मिल सकता है। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का फंड जो है वो रखा गया है। 200 रुपए से अधिक का जो जीएसटी बिल है वो मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप पर अपलोड करना होगा, वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद मासिक जो है इसको लेकर के ड्रॉ निकाला जाएगा। 80 जो ड्रॉ हैं उनमें 10,000 रुपये तक की राशि जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा 10 ड्रॉ के अंदर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, और जो तिमाही एक और ड्रॉ निकाला जाएगा जिसके अंदर 2 लकी विनर होंगे जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। महज 200 रुपए से अधिक का जो भी जीएसटी बिल है, यानी आज के बाद आप जो भी बिल लेते हैं, अगर वो बिल हरियाणा के अंदर आप ले रहे हैं या फिर इन 6 राज्यों के अंदर ले रहे हैं जिसके अंदर 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं, असम, गुजरात, हरियाणा के अलावा 2 अलग राज्य हैं, दमन, दादर और पांडिचेरी जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। और हरियाणा के अंदर अगर इस प्रकार से मेरा बिल मेरा अधिकार जो ऐप पर अगर 200 रुपए से अधिक का जो भी बिल होगा, उसका जीएसटी बिल जो होगा, उसको अगर अपलोड किया जाएगा तो उस पर एक यूनिक नंबर होगा, उस नंबर के ज़रिए आप लकी ड्रॉ बन सकते हैं जिसके अंदर 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ तक की राशि जो है वो आप जीत सकते हैं। जिस अंदर थोड़ा समझाएंगे, यानी कि अगर आप और मैं कोई बिल लेते हैं 200 रुपये से ज़्यादा का, हम उस स्कीम में अपलोड करके ऐप में हम शामिल हो जाएंगे, महीने में 25 बार हम बिल अपलोड कर सकते हैं, और 25 बार का चांस है यानी कि हमारे पास कि हम 1 करोड़ रुपये भी क्वार्टरली जीत सकते हैं, और महीने में भी 10,000 रुपये के करीब, जो मैंने सुना था डिप्टी सीएम बता रहे थे, ये इनाम जीतने का भी मौका है। ये तो बहुत अट्रैक्टिव स्कीम लग रही है। 200 रुपये से जी बिल्कुल कमल, 200 रुपए से अधिक का जो भी जीएसटी बिल होगा उसे इस प्रकार से अपलोड किया जा सकता है, और उसमें जो राशि है, 80 विनर जो है प्रतिमाह जो है वो 10,000 रुपये जीत सकते हैं, 10 विनर 1 लाख रुपए, और तिमाही में जो 2 विनर्स हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का, ये कह सकते हैं कि बम्पर ऑफर या फिर ये बड़ा लकी ड्रॉ जो है वो निकाला जाएगा, मेगा लकी ड्रॉ के तौर पर इसे देखा जा सकता है। सीधे तौर पर जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हो, उपभोक्ता जो हैं वो बिल लें, इस सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की है, और इसके लिए 30 करोड़ रुपए का जो फंड है वो पहले ही तय किया गया है कि इस फंड की जो लकी ड्रॉ है वो निकाले जाएंगे, लोगों के अंदर बांटे जाएंगे। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। हम हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सुनवाना चाहेंगे, दुष्यंत चौटाला ने इस मसले पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं।
आज से हर माह 10,000 और 1,00,000 इस क्षेत्र में तो प्रति माह और हर क्वार्टर में 2-1 करोड़ के रॉ फ्लॉट्स के माध्यम से सरकार कंज्यूमर्स को भी रिवॉर्ड करने का काम करेगी। मुझे लगता है मेरा बिल मेरा अधिकार, जहाँ एक और पर तो अधिकार है कस्टमर का कि वो अपने अदा करे हुए पैसे की पूरी रसीद ले, वही सरकार को जब वो टैक्स दे रहा है तो सरकार ने ये योजना पायलट के तौर पर 3 प्रदेशों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर चालू करी है। जो ये स्कीम है इसमें आप हिस्सा लेंगे तो शर्तें क्या हैं, कैसे आप हिस्सा ले सकते हैं, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप स्कीम के बारे में बहुत गहराई से समझ सकें। स्कीम में निर्धारित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, कोई भी व्यक्ति। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने दुकानदार से पक्के GST बिल या फिर इनवॉइस की मांग करनी होगी कि आपको बिल चाहिए। आपने कभी जो सोशल मीडिया पर खरीदारी की हो या फिर जो प्लेटफॉर्म होते हैं खरीदारी के वहाँ से की हो तो आप इनवॉइस लेते हैं, एक बिल आता है, आपको मालूम होगा इनवॉइस लिखा होता है, वो एक बिल की हम बात करें, GST बिल जिसे कहते हैं। स्कीम के लिए बनाए गए स्पेशल पोर्टल पर आप 1 महीने में केवल 25 बिल तक अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए बिल में सप्लायर का GSTIN नंबर होना चाहिए, डेट और राशि दर्ज होना आवश्यक है। बस ये शर्तें हैं छोटी सी और आप 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं, आपका नंबर पड़ सकता है लकी ड्रॉ में। ये है ये स्कीम।